वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक्सो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे रियलमी 9 5G डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 12 और रियलमी 53 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को लाइव कर दिया गया है। आपके डिवाइस का अपडेट वर्जन क्या होना चाहिए तभी आपके डिवाइस में रियलमी 53 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि उसको अप्लाई करना चाहिए कि उसको मिस करना चाहिए, सारे को डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं रियलमी 9 5G डिवाइस के रियलमी 53 अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म के बारे में। उससे पहले आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको जो भी न्यू अपडेट देखने को मिलता है उसे आपको अपडेट करना है। और लास्ट टाइम आपको वर्जन चेक करना है, 8.06 का अपडेट वर्जन होना चाहिए तभी आपके डिवाइस में रियलमी 53 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं, तो अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस अपडेट को मिस कर दीजिएगा। आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लीजिएगा क्योंकि रियलमी 3.0 बीटा के साथ में आपको हीटिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, बैटरी डाउन इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, हैंगिंग इश्यूज, यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उन्हें इसके बारे में बात करके जिन्हें उसको अपने डिवाइस में रियलमी 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को अप्लाई करना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर पर क्लिक करोगे, राइट ऑपन पर सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको अर्ली एक्सेस जो हो जाएगा उस पर आप टैप करोगे। नीचे कुछ सेकंड्स देखने को मिलेंगे, फिर वहाँ पर अप्लाई नाउ को लिखा हुआ आएगा। अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म शो होगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ध्यान रखना, आपको जियो का नंबर एंटर नहीं करना है। आप आइडिया, एयरटेल और भी कोई सी सिम का आप एंटर कर सकते हो मोबाइल नंबर, या फिर आप ईमेल आईडी से उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने पर आपका वो फॉर्म एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म अंडर रिव्यू में चले जाएगा। अर्ली एक्सेस के नीचे आपको अंडर रिव्यू शो होगा, फिर अंडर रिव्यू से अप्रूव या फिर पास्ड होगा जो कि आज या कल में हो जाएगा। उसके बाद आपको आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर के सेक्शन में रियलमी 3.0 का बीटा देखने को मिलेगा जिसकी साइज 5GB के आसपास देखने को मिलेगी। उसे इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपका डिवाइस का 460% प्लस रखना है। डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज 10GB फ्री स्पेस रखना होगा तभी आप अपने डिवाइस में रियलमी 3.0 बीटा को इंस्टॉल कर सकते हो। यार इस वीडियो में इतने तक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है, तब तक ले बाय, टेक केयर।